When a person wants to think positively, एक इंसान जब पहली दफा जिंदगी में कोई अच्छी बात कहना चाहता है ना अपने आप को, पहली दफा, first time he says, change तो बहुत बड़े अल्फाज हैं. I will change myself. I will change others. This is wrong. This is not right. This is not absolute. This is not maximized. ये तो बहुत बड़ी बातें हैं. The first moment, right now, एक habit, एक lifestyle, एक behavioral psychology में एक inch change लाने के लिए, you need to think. And the first moment when you start to say, I am wrong, ये भी negativity. मतलब something needs to be done. ये भी बहुत बड़ी बात है. छोटे से छोटे लेवल पे इंसान अगर कोई पॉजिटिव बात करना चाहेगा ना अपने आप से, लोगों से नहीं, अल्लाह से, इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, तेरा नफ्स जो है ना, योर पर्सनल डिमेंटेड डिस्ट्रॉयड शैटर्ड अपार्ट कॉम्प्लेक्स इन्फैक्चुएटेड जो आपका परसेप्शन है ना, वो दगा दे देगा. वो आपको सोचने देगा नहीं अच्छी बात कभी. टॉकिंग टू योरसेल्फ इज नोइंग द पैथेटिक साइड ऑफ योरसेल्फ, सीइंग द डार्कर साइड इन योरसेल्फ. एंड it's okay to be wrong, it's okay to be messed up, it's okay to be screwed up in the head, it's all okay. agar ye na hota to aap wo puzzle ko khol ke yahan kaise khade hote logon ki help karne ke liye. agar aapki life kharab nahi hogi to ye duniya ka nizam chalega kaise. aur main to aapko aaj quran se ek naya istidlal deta hu. allah to gham, problems, tensions, mess ups banata hi isliye taaki human rational reasonable thinking zyada tez ho. daleel do वैसा मसल इंसान जरूर दायन जम भी अकायद ना कायमा. हम जब इसे तकलीफ देते हैं ना तब इसका स्पिरिचुअलिज्म ज्यादा बढ़ता है. तो जब तकलीफ देते हैं तो इसका दिमाग चलता है ना. सिस्टम हिलाएंगे नहीं तो हाउ इज ही गोइंग टू थिंक समथिंग रॉन्ग. सो यू प्रॉब्लम्स आर ओके, प्रॉब्लम्स आर फाइन, प्रॉब्लम्स आर ब्यूटिफुल. लर्न टू एम्ब्रेस देम, लर्न टू टेक देम इनटू अकाउंट, मगर इन्वाइट ना करें उसको. और असल में प्रॉब्लम अजाब तब कहलाती है जब वो कोई लर्निंग ना हासिल करे, कुछ सिखा के ना जाए, ये अजाब होता है. लेकिन जब कोई तकलीफ इमाम खड़ा कर दे, सरकार ये तो अल्लाह का रहम था, दैट वॉज द मर्सी गॉड हैज गिवन यू, दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग, वरना यू वुड हैव बीन इन दैट बॉक्स एज अ स्लेव फॉलोइंग द ट्रेल्स ऑफ अदर पीपल, नेवर नोइंग व्हाट द बेस्ट यू कैन डू आउट ऑफ देम. यू नेवर नो इधर कौन क्या बैठा हो. आई एम टॉकिंग टू दैट डिस्टर्ब हार्ट राइट नाउ जिसके साथ कोई चीज साथ नहीं दे रही इस टाइम पर. पैसा नहीं है, इंग्लिश नहीं है, एक्सेंट नहीं है, सेल करने के लिए ब्रांड्स नहीं है, जॉर्जियो नहीं है, अरमानी नहीं है, पॉल सिलेरी नहीं है, मुसीमुद्दीन नहीं. यू हैव नथिंग विद यू राइट नाउ, नो करोलास, नो वीगोस, नो मर्क्स एंड स्टफ लाइक दैट. कूल, यू आर द परफेक्ट सब्सटेंस टू बी द डैडी ऑफ दिस एंटायर प्लेस. यू आर द वन मैन, बिकॉज यू नो द पेन व्हाट अदर पर्सन डू. और दो रूस्टर्स की, दो कुक्कड़ की जंग के अंदर ना, it is the one who has done his physical, spiritual, emotional, moral, ethical, social, jitna usne zyada workout or exercise ki hoti hai na wohi jeetta hai. if physically two resources of two fighters are same, to it's the heart that fights in the end. be honest to yourself, jhoot mat bolna apne aap se, never ever lie to yourself. and I tell you, don't, if you do this, if you stop lying to yourself right now, I tell you man, you're the one. aapko khud जो उन्होंने कहा है ना, द कॉस्मोलॉजी ऑफ दिस यूनिवर्स विल स्पीक टू यू, यू विल फाइंड थिंग्स वर्किंग योर वे, यू विल फाइंड. बट पहले सच बोलें. एंड इट्स ओके टू से यू कांट डू इट, एंड इट्स ओके टू टेल योरसेल्फ आई कांट डू दिस वन, आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स. एंड इट्स ओके टू एक्सपेरिमेंट योर विजन्स, एंड इट्स ओके टू एक्सपेरिमेंट योर ड्रीम्स, एंड इट्स आउट क्लासली ओके टू फेल. सबसे अच्छी डिग्री पता आपके पास क्या है? फेलियर्स. द बेस्ट डिग्री यू हैव इज द फेलियर्स यू हैव. ये जो हमारा जो एटीट्यूड है ना, मैं खुद चल जाऊंगा, मैं खुद कुछ कर लूंगा, बगैर उस्ताद के, बगैर उसके, ये सारी अंदर की साइकोपैथी है जो एक प्रोसीजर से, प्रोसेस से गुजरने नहीं देती आपको. ना कॉलेज में सीरियस होने देती है, ना घर में सीरियस होने देती है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम में सीरियस ही नहीं होने देती. क्यों? इन नफ्सा योर ऑन डिमेंटेड हार्ट, आने नहीं देगा कभी प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में. और प्रोसीजर में भी नहीं रहने देता, प्रोसीजर में रह के भी ड्रीम नहीं करने देता. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बी समथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो काम करें जो आपको पसंद है, वो काम ना करें जो थोपा गया आपके ऊपर. इफ यू आस्क एनी बिजनेसमैन इन दिस वर्ल्ड हाउ डिड यू ग्रो, ही वुड से टेक द रिस्क एंड द जंप विल बी हाई. और रिस्क वही लेता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में रहना पसंद नहीं करता, और ब्लैक एंड व्हाइट में वही रहता है जो डिफाइंड लाइफ जी रहा होता है. इसने ये किया मैं यही बनूंगा, इसने ये किया मैं यही बनूंगा. ही विल नॉट एक्सपेरिमेंट. एंड द रीजन वाई वी आर नॉट एक्सपेरिमेंट इज वी स्केर्ड. फियर मैनेजमेंट, हाउ टू डील द साइकोपैथिक फियर विद इन यू, साइकोपैथिक होप, उम्मीदें डिस्ट्रॉयड अंदर से इमोशनल साइंसेस की, खौफ आउट ऑफ ऑर्डर, मोहब्बत इतना पावरफुल रिसोर्स अल्लाह ने दिया इंसान को,
मतलब उसको इस तरह से आंधी इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल फारिग, कहीं और मोहब्बत है हमारी, कहीं और इश्क हमारे कहीं और लगे हैं, मतलब नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फोकस, टूवर्ड्स सम, ये रिसोर्सेज तो हमने खराब किए हुए हैं, ट्रस्ट, तवक्कुल, खुशी, गम, हार्ड कोर इमोशनल साइंसेज विद इन यू एंड परसेप्शनल माइंडसेट्स, नो वर्किंग, नो सेल्फ मैनेजमेंट सर, नो सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेस, केयर, सो इफ यू वॉन्ट टू बी समथिंग इन दिस वर्ल्ड टू अचीव योर ड्रीम्स, नो योर सेल्फ, जाने आप हैं क्या और किस जगह पर क्या चीज फायर बैक करती है। कुछ लोगों को अटेंशन नहीं मिलती, दिमाग खराब हो जाता है, एरोगेंस, कुछ लोगों के सामने दूसरे का खुदाई फैसले की वजह से कुछ लग जाता है, वो रात नींद नहीं आती, जलेसी, कुछ लोगों के साथ हल्का सा बुरा हो जाता है, अरबी में ऐसे कहते हैं सिगरुल हिम्मा, वो फौरन ही नीचे, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो वैसे ही बहुत चौड़े हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मतलब ही ओवर पोटेंशियली माइंडसेट खराब, कुछ है नहीं बट ही इज क्लेमिंग थिंग्स अप। सो इफ यू विल नॉट नो दी साइकोपैथीज, यू विल नॉट बी एबल टू फाइट इन लाइफ, बिकॉज योर हार्ट वुड गिव अप, यू विल नॉट गो फॉर एक्सरसाइजेस, एंड इट इज अला वही अल कल्ब, अरबी जबान में हरूफ तंबी लगा के अल्लाह ने, रसूल सल्लम ने कहा था अला वही अल कल्ब, ये दिल है, टॉक टू योर सेल्फ, बात करें अपने आप से, क्योंकि आगे ना बहुत लड़ाई है, बहुत मसले मसाइल, इट्स अ डार्क वर्ल्ड एंड इट्स ओके टू बी डार्क, इट्स गुड टू बी डार्क, इट्स परफेक्टली फाइन, द वर्ल्ड इज डार्क, नेगेटिव पीपल, पेसिमिस्टिक, सैडिस्टिक, ऑलवेज टेलिंग यू यू गोना डू इट मैन, यू कांट डू इट, यू कांट पुल इट ऑफ, तू नहीं कर सकता, इट्स वेरी ओके फॉर पीपल टेलिंग, दो चीजें गिरा देंगी आपको, एक आपका शक है अपने विजन से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने पास से रिलेटेड, अपने अल्लाह से रिलेटेड, अपने रिसोर्सेज से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, शक की लोग, डाउटर्स, कंफ्यूज्ड, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, वो ठीक चलेगा नहीं चलेगा, रिसोर्सेज आंसर बैक करेंगे नहीं, शक की, डाउटर्स, दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट डिजीज ऑफ योर हार्ट दैट यू नीड टू डील विथ, इवन इफ यू स्टार्ट ड्रीमिंग इन सिक्स सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर, इवन इन द एट सेमेस्टर, डिजायर, डिजायर इज द किलर ऑफ पेशेंस एंड सबर, एक आदमी की ख्वाहिश ही तो उसको गोल तक उसको पहुंचने नहीं देती कि आज मैं बेड नहीं छोड़ सकता, कंबल नहीं छोड़ सकता, स्वेटर नहीं छोड़ सकता, ब्रांड नहीं छोड़ सकता, गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकता, दोस्त नहीं छोड़ सकता, पैसा नहीं छोड़ सकता, ये सब तो किलर थे इंसान के ख्वाब के। तो यहां पे तो हमारा लड़का, हमारा बच्चा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर कॉपी पेस्टिंग कर रहा होता है, मतलब ही इज नॉट हिमसेल्फ, ही नोज दैट फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम इज ऑफ नो गुड यूज टू हिम। Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say almaru wala din khalili, bande ko janna ho na uske barabar mein baithe wala aadmi check kar le aap, uski companionship dekhein, wo uska potential bata denge wo kya hai। To yahan to ek insaan apna dost nahi badal sakta, apna uniform nahi badal sakta, apne baal nahi katwa sakta, ek acha cologne nahi use kar sakta, he can't wear some really dark clothes in few meetings, color management nahi aati usko ke kahan pe dark pehenna hai, kahan pe light pehenna hai, kahan pe bright pehenna hai, kahan pe matte use karna hai, he doesn't know the management of colors, he doesn't want to change and he is like that। ki jab aap bahut badi cheez kheench rahe hote hain apni life ke andar, ek ek resource exhaust ho raha hota hai aapka, ek ek cheez, and if you want to live a life, an excellent beautiful life, don't calculate your success with the physicality around you, calculate the success with your loyalty and sincerity with your vision, aapne kitna put up kiya, that's it, by the end of the day it's not what you get is important, it's how you performed, how you let yourself through that thing, and that's what is happiness, that is the satisfaction, it's not going to happen with you laying on the beds and you not reading, you need consistency, you need to be honest first, you need to dream first and then follow the procedures। wajalna minhum aimma, hum ek aam aadmi ko, aam sa shab, jo aapko lag raha hota hai aam, कुछ भी नहीं होता, ना लोग उसे पूछते हैं, ना उसकी फीलिंग्स की कोई कदर करता है, ना उसके गमों की कोई कदर करता है, ना उसके कम्प्लेक्सेस की कोई कदर करता है, ना उसके ख्वाबों की कोई कदर करता है, ना उसके हाइज एंड लोज की कोई कदर करता है, मगर हम देख रहे होते हैं उसको। वजालना मिन हुमाइमा, हम एक आम आदमी को इमाम बना देते हैं, यहदू ना भी अमरीना, काम वो करता है हमारे हुक्मों से, दो चीज़ें जब वो अडॉप्ट कर लेता है, दो आपको वना नो लम्मा सबरु वकानु भी आया थी ना योकिनु, यकीन, सबर, इल्म, अमल, कुवत इरादा, कुवत इस्तदलाल, लाइट एंड लाइफ, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकअल्लाह खैर।